kids. How are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now assembly time. अभी कौन सा टाइम है बच्चे आपका? Assembly time है. And in our assembly time today, we will learn story Thrusty Crow. We will learn only 4 lines. Okay? अभी हम complete learn नहीं करेंगे Thrusty Crow. अभी हम Thrusty Crow के सिर्फ 4 lines ही learn करेंगे. क्योंकि ये story बहुत लंबी है. आपको एक साथ learn नहीं होगी. तो इसीलिए मैंने आपको आपकी class में एक बार 2 lines learn करवाई थी ना. तो आज हम उन 2 lines को revise करते हुए बच्चा 2 lines और learn करेंगे. ताकि आप ये पहले 4 lines अच्छे से learn कर लो, revise कर लो. फिर उसके बाद हम बाकी की स्टोरी पूरी लर्न करेंगे. ओके बच्चा, आप सबको याद होगा एक बार सैटरडे को मैंने आपको ये स्टोरी विद प्रॉप्स करवाई थी ना. मैंने पपेट लिया था, क्रो पेबल्स लिए थे हम लोगों ने, एक जग लिया था और आपको सारा एक्सप्लेन किया था ना. तो आज हम इस स्टोरी की 4 लाइंस को लर्न करेंगे. बट इससे भी पहले बच्चा, सम बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए. व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 20. Today is 20. And what is the day today? Today is Thursday. Which month is going on? January month is going on. And which year is going on? 2022 is going on. So now assembly time. Story Thrusty Crow. हिंदी में बोलते हैं बेटे इसको प्यासा कौवा, है ना? कई बच्चों को तो शायद हिंदी में आती होगी, बट हमने हिंदी में लर्न नहीं करनी, हमने इंग्लिश में लर्न करनी है Thrusty Crow. Crow means कौवा और Thrusty means प्यासा. Okay बच्चा, so shall we start? Okay, let's start. Kids, in our story, our first line is, once there was a crow. मुझे पता है आप अभी इसको रीड नहीं कर सकते हो, बट मैंने ये इसीलिए यहाँ पर लिखा है ताकि आपकी मम्मा को हेल्प मिल जाए, मम्मा कहीं पर नोट डाउन कर ले और आपको अच्छे से लर्न करवा सके. ओके बेटा, once there was a crow. Once there was a crow, it means कि एक बार एक कौवा था. बट आपने इंग्लिश में लर्न करनी है, मैं आपको हिंदी बता रही हूँ. हिंदी सिर्फ आपको वन टाइम ही बताने के लिए है, लेकिन आपने बस इंग्लिश में लर्न करना है. ओके, तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या है? वॉन्स देयर वॉज अ क्रो. सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, बोलो वॉन्स देयर वॉज अ क्रो. फर्स्ट लाइन हमारी क्या है? वॉन्स देयर वॉज अ क्रो. ओके, नेक्स्ट लाइन है हमारी, ही वॉज वेरी थ्रस्टी. ही वॉज वेरी थ्रस्टी, उसको बहुत प्यास लगी थी, वो बहुत प्यासा था. ठीक है, वंस देयर वॉज अ क्रो, ही वॉज वेरी थ्रस्टी. अभी ये 2 लाइन्स अच्छे से लर्न करो. हमारी फर्स्ट लाइन क्या है? वंस देयर वॉज अ क्रो. सेकेंड, ही वॉज वेरी थ्रस्टी. ही वॉज वेरी थ्रस्टी. इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन है, क्या है वो लाइन? ही वेंट हेयर एंड देयर. पहले इतना ही लर्न करो. ही वेंट, वो गया हेयर एंड देयर, इधर और उधर. किस लिए गया? इन सर्च ऑफ वॉटर, कि उसको कहीं पर वॉटर मिल जाए. पानी की तलाश में, पानी की खोज में, वॉटर की खोज में. तो हमारी थर्ड लाइन क्या है? बोलो, ही वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वॉटर. ही वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वॉटर. ओके, नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है? एट लास्ट ही रीच्ड इन अ गार्डन. एट लास्ट, फिर लास्ट में वो कहां पहुंचा? रीच्ड इन अ गार्डन, एक गार्डन में पहुंचा. एट लास्ट ही रीच्ड इन अ गार्डन. ओके बेटा, तो अभी 4 लाइंस हैं, हम इनको 2 टाइम्स और रिवाइज करेंगे. मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो कहीं किसी नोटबुक के ऊपर इन 4 लाइंस को राइट डाउन करके, और बच्चों को प्लीज 1-1, 2-2 या 3-3 लाइंस करके, जैसे बच्चों को कंफर्टेबल लगता है आप उनको लर्न करवाइए. वैसे ये 4 लाइंस एक बार स्कूल में हो चुकी हैं, इसीलिए मैं इनका रिवीजन करवा रही हूँ. इनका रिवीजन के बाद मैं नेक्स्ट की 2-2 लाइंस और लेने वाली हूँ.
ओके तो हम बच्चों हमारी फर्स्ट लाइन क्या है, वंस देयर वॉज अ क्रो. सेकेंड लाइन क्या है, ही वॉज वेरी थर्स्टी. थर्ड लाइन, ही वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वॉटर. फोर्थ लाइन, एट लास्ट ही रीच्ड इन अ गार्डन. ओके वंस अगेन, वंस देयर वॉज अ क्रो, ही वॉज वेरी थर्स्टी, ही वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वॉटर, एट लास्ट ही रीच्ड इन अ गार्डन. ओके बेटा, तो आपको ये फोर लाइन्स अच्छे से अपनी मम्मा से लर्न करनी है और अपनी लाइव क्लास में अपनी मैम को सुनानी भी है. ओके बच्चा, सो ओके, बाय बाय, टेक केयर.